ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह नवंबर 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभ प्रभाव घटित होंगे। मकर राशि माह नवंबर, नवंबर का महीना 2021। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, उन्नति तरक्की, आपके शत्रु, आपकी बीमारी, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके विवाह शादी के संबंध, आपके प्रेम संबंध, आपकी तरक्की उन्नति, तो आपकी विदेश यात्रा, आपका करियर, आपकी लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन शॉर्टकट में देंगे और कट टू कट देंगे, लेकिन विस्तार से भी बताएंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपको महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से जरूर बचते हैं। एक नज़र ग्रह गोचर की स्थिति पर। सूर्य अभी नीच तुला राशि में संचार कर रहे हैं, 16 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके अभी तुला राशि में ही रहेंगे और बुध 2 तारीख को तुला राशि में जाएंगे और 21 तारीख को वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी नीच मकर राशि में संचार कर रहे हैं और 20 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके धनु राशि में ही तो संचार कर रहे हैं और साथ में जो आपके आपके शनि हैं स्वग्रही होकर वह अपनी राशि में मतलब मकर राशि में ही संचार करेंगे। राहु आपके वृषभ राशि में रहेंगे, केतु आपके वृश्चिक राशि में। और मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको देखिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। बात करते हैं मकर राशि। देखिए मित्रों, ये तो आपको मालूम है कि आपकी राशि के ऊपर शनि की 6.5 चल रही है, लेकिन शनि स्वग्रही है, केंद्र में है, आपकी राशि में, आपके लग्न में है, तो शश नामक योग बनता है जो कि शुभ स्थिति है। शारीरिक और मानसिक थोड़ी आपकी स्थिति ठीक रहेगी, आपकी विल पावर, कार्य करने की क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी दृढ़ हो जाएगी, बॉडी लैंग्वेज आपकी स्मार्ट हो जाएगी और धैर्य और संयम लेते हुए आप विवेकपूर्ण ढंग से कोई भी निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहेगा। समय समय पर थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, धब्बा तो कोई जो आपको मेजर प्रॉब्लम हो। उसके बाद हम आपके धन परिवार की बात करते हैं। यहाँ के लॉर्ड आपके तो आपके तो जो शनि तो यहाँ पर तो यहाँ से आपके बार में आ जाते हैं, तो थोड़ा घर परिवार में थोड़ा मन मुटाव, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस या थोड़ी पैसे की कमी, अचानक आपके जमा धन को जो आपके बैंक बैलेंस में कमी, परिवार वालों के पीछे आपका व्यर्थ खर्चा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई मतभेद, डिफरेंसेस। लेकिन 20 तारीख के बाद देवगुरु बृहस्पति जब वहाँ पर आएंगे तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, स्थिति ठीक बनेगी, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा और आपके बैंक बैलेंस में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, थोड़ी वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति रहेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपके थर्ड हाउस सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर आपका ठीक रहेगा, आप तो आपका पराक्रम बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग से लाभ बेनिफिट मिलेगा, आपके सहकर्मी जो नीचे आपके कार्यरत हैं, आपके कर्मचारी, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु या छोटे भाई बहन, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना रहेगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से स्थिति ठीक है। वहाँ के लॉर्ड मंगल आपके 10th प्लेस में, उनकी सौग्रही दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो अचानक से भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लेने की आपकी कोई योजना बनेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। इससे पहले कोई वाद विवाद या कोई तकलीफ, कोई व्यवधान आपको आ रहे थे, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो निकलने की पूरी संभावना रहेगी और आपको किसी भूमि की या चल अचल संपत्ति की या किसी वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी गेन कर सकते हैं और तो आपके घर में तो जो शांति और मेंटल पीस का माहौल बनेगा, अच्छी स्थिति है। तो भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर आपको प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद संतान पक्ष की बात कर लेते हैं, तो यहाँ के लॉर्ड शुक्र आपके 12th हाउस में चले गए, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति, थोड़ी संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन या थोड़ी विरोध, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस या आपकी संतान का एजुकेशन में, नौकरी में, कार्य व्यवसाय में ना कोई थोड़ी बाधाएं या परेशानी जिससे आप थोड़े परेशान हो जाए और थोड़ा आपका तालमेल, कोऑर्डिनेशन थोड़ा संतान के साथ ख़राब हो जाए, तो कोई चिंता, उनका विवाह शादी का कोई संबंध, ये सब छूट सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में कमी रहेगी, एकाग्रता में कमी आएगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी और डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी। लेकिन आप धैर्य संयम रखें, चूँकि यह समय अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति आप अनुकूल बनेगी। जो आप अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई करते हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, आप करते रहिए, अपना प्रयास करते रहिए, तो थोड़े समय के बाद, बहुत कम समय के बाद ही आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं
नौकरी में आपको तरक्की उन्नति की संभावनाएं, नई नौकरी लगने की संभावनाएं रहेंगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोई कर्जे की स्थिति है, कोई बीमारी की स्थिति है, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। थोड़ा प्रयत्न पुरुषार्थ थोड़े अधिक करने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ी अधिक यहाँ पर आपको बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, यहाँ पर 20 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है। 20 तारीख तक तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ रही है, लेकिन 20 तारीख को जब वे ट्रांजिट कर जाएंगे तो थोड़ी स्थिति, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस घर परिवार में, थोड़ा अशांति पति पत्नी के बीच में, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब, कोई विवाह शादी का संबंध होने जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यवधान, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में आपके प्रेम संबंध आपके छूट सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, तो आपके मतभेद उभर सकते हैं, तो धैर्य संयम रखिएगा। पार्टनरशिप में कोई कार्य तो आप करना चाहते हैं तो आप करते हैं, तो उसको 20 तारीख के बाद बिल्कुल मत कीजिए। उससे पहले कोई डिसीजन लेना है तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं, और क्योंकि 20 तारीख के बाद लेते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अचानक से चोट फेट एक्सीडेंट, कोई तो कोई अगुप्त रोग और कोई रक्त विकार, और आपको गर्मी से संबंधित ये सब चीज़ें, स्किन की एलर्जी या कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम गर्मी से संबंधित, अचानक चोट फेट एक्सीडेंट, ये थोड़ा ध्यान रखिए। पैसा फंसना ठगना बनते कामों में अड़चने रुकावटें ये सब आपको क्रिएट हो सकती है, लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर उन्नति का अवसर दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इन अवसर का लाभ उठाएं, थोड़े पुरुषार्थ थोड़ा परिश्रम थोड़ा प्रयत्न करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपके फादर का, आपके पिता का आपको भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, आपकी विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, और आपकी विदेश यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, और आपको आपके धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी का आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, आपको भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा और तरक्की उन्नति के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी तो यहाँ पर करियर की दृष्टि से, तो करियर की दृष्टि से जो स्थिति आपकी बन रही है वह वहाँ के लॉर्ड जो शुक्र आपके 12th हाउस में चले गए और वहाँ पर सूर्य के साथ मंगल अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, और सूर्य भी वहाँ पर अभी नीच के चल रहे हैं, 16 तारीख तक तो स्थिति आपकी थोड़ी गड़बड़ाएगी, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी, क्योंकि वहाँ के लॉर्ड जो आपके अत्याचार्य शुक्र हैं 12वें घर में चले गए, तो थोड़े आपको करियर से रिलेटेड, आप नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, थोड़ा संघर्ष परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, और संभवतः आपको उतने शुभ फलों की प्राप्ति ना हो। इस समय तो कोई बदलाव मत लाएं, किसी नौकरी में कोई परिवर्तन, कोई स्थान परिवर्तन मत करें, नौकरी परिवर्तन मत करें, व्यवसाय परिवर्तन मत करें, उसमें कोई विस्तार वृद्धि फिलहाल मत करें, जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, वैसे ही उसमें पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो बहुत यह समय चूंकि स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, तब आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, फिलहाल कोई ऐसा डिसीजन मत लें, जो जैसा है शांतिपूर्वक आप मेहनत से तो अपने कार्य को करते रहें। उसके बाद लाभ स्थान की दृष्टि की बात करते हैं, लाभ की दृष्टि से ठीक रहेगा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, और इससे पहले सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा धन का आगमन, जो आय के स्रोत आपके स्टार्ट हो जाएंगे, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, बड़े भाई बहन और आपके मित्र वर्ग जो एज में उम्र में आपसे बड़े उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग की पूरी संभावनाएं रहेंगी। और जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं उनके लिए स्थिति ठीक है, सामान्य रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। जो जातक विदेशों में हैं तो जो आपके संबंध अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से आपका विदेशों में आना जाना रहता है तो थोड़े आपके संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वेस्ट एक्सपेंडिचर पैसे का नुकसान आपका हो सकता है, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए थोड़े पैसे के लेन देन से बचें और सोच समझ कर थोड़ा आप अपना कार्य को करें, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है और आपका व्यर्थ खर्चा भी यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, अगर आपको इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली होती है उसका सर्वाधिक और उसका विशेष महत्व होता है, वो आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। अगर मकर राशि वाले जातकों की तो आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में आपके अनुकूल चल रही है, आपके फेवर में है, तो यहाँ पर मकर राशि वाले जातक तरक्की उन्नति करेंगे, और अगर वहाँ भी आपकी जन्म कुंडली में दशांतर दशा किसी ग्रह की आपके प्रतिकूल चल रही है तो थोड़ा संभवत है थोड़े संघर्ष और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपकी मेहनत अधिक बढ़ जाएगी, थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो आप क्या कीजिए कि ओम गंग गणपते नमः 108 times, ओम शंग शनिश्चराय नमः 108 times, और एक हनुमान चालीसा
साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, फिर हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगल शनिवार को प्रसाद चढ़ाएं, शनिवार को शनिवार के नाम का, मंगलवार को हनुमान जी का, और काली चिट्टियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। पॉसिबल हो सकता है तो शनिवार को तो आप पीपल के वृक्ष पर जाएं, काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं, और तो अपने घर में आकर आप शनि भगवान की आरती करें और साथ में थोड़ा सा उनके नाम का प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार मंगलवार को प्योरिटी से शुद्धता से रहें, तो निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धापूर्वक कंटिन्यूटी में छोटा सा उपाय करते हैं प्रतिदिन, तो आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।